एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर, प्रदेश में बढ़ते अपराध, लगातार हत्याएं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लूट की घटनाएं, भ्रष्टाचार व विगत दिनों बलिया के अधिकारियों के सामने जयप्रकाश पाल की निर्मम हत्या। जनपद मिर्जापुर में हत्या, चयन छिनौती, धान क्रय केंद्रों पर असुविधा, मनरेगा मजदूरों का भुगतान व सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आम जनमानस का शोषण जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय रामगोपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष एवं मझवा विधानसभा 357 प्रभारी हूँ जी। आज मिर्जापुर से आज आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं? हम लोग मुख्य मांगे ये थे कि बलिया में अभी जो है कुछ दिन पहले गोलीकांड हुआ है, सरेआम पुलिस के सामने यह ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही शर्मनाक साबित हो रही है। प्रदेश सरकार अपने अनुशासन में नाकाबी के साथ पेश हो रही है और आए दिन हर जगह लूट, हत्या और अपहरण, छिनैती और दुष्कर्म चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। तो लिहाजा इसी सब संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिए हैं, राज्यपाल महोदय को देने के लिए उनके माध्यम से। आज का कार्यक्रम में हम लोगों का मुख्य यही ज्ञापन में विषय था।